हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक डिफरेंट स्टाइल सब्जी बना रही हूँ। घर में कोई सब्जी नहीं है और कुछ नया खाने का मन कर रहा था, आप ये सब्जी जरूर बनाइए। इसके लिए मैंने एक कप मूंगफली ली है कच्ची वाली, उसको हल्का रोस्ट करके उनका छिलका हटा के और एक दरदरा पाउडर बना लूंगी। और देखिए वो मैंने कर लिया अलग से। और ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मैंने सरसों का डाला है और मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं लिया है, बहुत कम लिया है। और देखिए कुकिंग ऑयल, जब हमारा जो ऑयल गर्म हो जाएगा ना, तो हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का मैं राई और जीरे का लगाऊंगी। तो देखिए मैंने कुछ आधी चम्मच लगभग राई डाली है और आधी चम्मच ही मैं जीरा डालूंगी। और जब ये तड़क जाएगा ना, तो इसमें प्याज जो हमने चॉप करके रखे हैं, वो मैंने एक बड़ा साइज का प्याज चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और हम इसको थोड़ा सा चला देंगे और तेल को थोड़ा ठंडा करके डालिए। और ये देखिए मैंने एक चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है। आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप नहीं खाते तो इसको भी स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए मैंने एक हरी मिर्ची को चॉप करके डाला है, यानी अदरक और हरी मिर्ची डाली है। आप चाहे तो लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हल्का इसको पका लेंगे, प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाए, हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को मैंने काफ़ी बारीक चॉप कर लिया था। और अब हम दोनों को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा पका लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो देखिए थोड़ा सा पका लिया मैंने और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में देखिए मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला है 2 चम्मच, मैंने छोटी चम्मच डाली है। और धनिया पाउडर डाला है 2 चम्मच ही मैंने, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधी चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, आधी चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, चुटकी भर हींग डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे। तो ये मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। और अब इन मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे बिना पानी डाले। और फिर जब ये थोड़ा सा भून जाए, मतलब थोड़ा सा पक जाए, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे, 2 से 4 चम्मच लगभग। और फिर पानी डाल के थोड़ा सा और इनको ढक के थोड़ा सा पका लेंगे। 1 मिनट भी नहीं पकाना, बस थोड़ा सा, थोड़ी देर में पक जाएगा। और जब ये पक जाए तो इसमें 2 कप पानी, गर्म पानी डालना है। उससे क्या होता है, फ्लेवर में चेंज नहीं आता। और ये देखिए मैंने 2 कप पानी डाल के इसको पका लिया है। पकाने का मतलब उबाल आ जाए, इतना पकाना है। देखिए बॉईल हो गया है ये, इसमें उबाल आ गया है। अब हमने जो दरदरा पाउडर बनाया था ना मूंगफली का, 1 कप मैंने इसमें ये ऐड करना है। बस बहुत सिंपल सब्जी है, आसानी से बन जाती है और बहुत स्वादिष्ट लगती है, डिफरेंट लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, सबको बहुत पसंद आती है। और घर में कुछ नहीं है, झटपट बना सकते हैं। और आपको बस कुछ नहीं करना, मूंगफली को रोस्ट करके उसका छिलका हटा के उसका पाउडर बना के आप घर में रखिए और आसानी से बन जाती है। देखिए मेरी सब्जी 2 मिनट मैंने कुक करा और देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है, काफ़ी पानी ऑब्जर्व कर लेती है और ये बिल्कुल रेडी है। और इसको हम सर्व कर लेते हैं। कुछ डिफरेंट खाने का मन कर रहा हो ना, तो ये सब्जी आप ज़रूर बनाना, बहुत पसंद आएगी, सबको अच्छी लगेगी। तो गाइज़ कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तब भी मैं जब भी मैं आपके लिए कोई नया वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।